जी हाँ दोस्तों, बीते समय के साथ हम सभी ने देखा कि आखिर किस तरह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और श्रीलंका का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया और श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया। और अभी जो श्रीलंका में हाल है वो स्थिति बहुत ही नाजुक है और इस समय श्रीलंका बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसे कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उस देश में श्रीलंका जैसा हालत हो। और श्रीलंका के इस हालत में इस समय भारत उसका मदद कर रहा है और भारत हर अपने उस पड़ोसी देश का मदद करता है जो इस संकट में पहुंचता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का ही कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण भारत तो उसका मदद नहीं कर रहा है लेकिन चीन उसका भी पूरा मदद कर रहा है। लेकिन इसके पीछे चीन अपना इंटरेस्ट देख रहा है और चीन पाकिस्तान को एज अ कॉलोनी अपना इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर एशिया को एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिर एशिया को क्यों एक एसोसिएशन नेशन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आइए एक साथ देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एशिया को अब एक एसोसिएशन यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल का ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि एशिया फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और इस फील्ड में एशिया लीड करता है। हम एशिया की बात करें तो एशिया का जैसे साउथ कोरिया, जापान, चाइना, इंडिया, ये सभी देश इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस तीनों ही क्षेत्र में लीड कर रहे हैं और ये आने वाले समय के सुपर पावर हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया को आने वाले समय में सुपर पावर माना जा रहा है और जितना भी सुपर पावर है वो यूरोप से हट करके एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है और दुनिया का अर्थव्यवस्था भी अब एशिया की तरफ शिफ्ट होने लगा है और दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार भी अब एशिया बन चुका है। और आखिर एशिया के कंट्री का विज़न क्या है? उनका स्ट्रॉन्ग इकॉनमी और GDP, स्किल डेवलपमेंट, एडुकेशन, गरीब कंट्री को अमीर करना और एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, और इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है शांति जीवन और सुखी जीवन। लेकिन ये एशिया में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एशिया में बहुत ही ऐसे देश हैं जिनमें कि आतंकवाद फैला हुआ है या फिर वहाँ पे अशांति है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक यूनियन है जिसे हम यूरोप यूनियन के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे यूरोप को गवर्न करता है और यूरोप के जो विकसित देश नहीं है उसे विकसित करता है और उसे फाइनेंशियल तरीके से मदद करता है। वैसा ही एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल और एसोसिएशन की एशिया को सख्त ज़रूरत है। अगर हम बात करें सुपर पावर नेशंस की, तो अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिकन जैसे देश मजबूत हुआ करते थे, लेकिन अब ये सुपर पावर एशिया की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। और आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर ये हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एशिया के अब जो देश है उनके आपस में ही दुश्मनी चल रही है और ये वेस्टर्न कंट्री जैसे US और कुछ पावरफुल कंट्री जैसे अमेरिका, फ्रांस और रशिया के कारण है। और एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल की ज़रूरत है, जहाँ पर आतंकवादी है, वहाँ पर शांति नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सेना तक था पलट करके वहाँ का सारा पावर खुद गेन कर चुकी है। तो ऐसे देशों को इस गवर्नमेंटल पैनल की सख्त ज़रूरत है। तो हम पहले देखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच चल रहे राइवलरी को, इन दोनों के बीच आखिर दुश्मनी कैसे पनपी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें कोरियन पेनिनसुला के बारे में जानना पड़ेगा। जी हाँ, तो कोरियन पेनिनसुला पे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर वहाँ पे अमेरिका आया और उसके बाद अमेरिका और USSR के बीच उस समय दुश्मनी चल रही थी, जिसके कारण उन दोनों ने मिल करके बांट दिया। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया USSR से प्रभावित होकर के बना और ये एक डिक्टेटरशिप और कम्युनिस्ट देश बना और यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी और यहाँ पे राजशाही भी नहीं थी, यहाँ पे तानाशाही थी और ये USSR से प्रभावित था। उसके बाद दूसरा देश बना साउथ कोरिया, जो कि
अमेरिका का वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और वो एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बना और वो एक नॉन कम्युनिस्ट कंट्री बना और आज ये काफ़ी डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजी के मामले में ये काफ़ी आगे जा चुका है। और जो अगला देश है वो है सऊदी अरब ईरान के बीच में दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच में दुश्मनी भी अमेरिका और USSR का ही देन है। जहाँ ईरान रसिया का साथी है तो वहीं सऊदी अरेबिया अमेरिका का साथी है और इन दोनों के बीच में कुछ रीजनल डिफरेंसेस और कन्फ्यूजन्स है जिसके कारण इन दोनों के बीच में दुश्मनी का एक मेन कारण है। और दोनों ही मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है पूरे एशिया में और साथ ही साथ यूरोप में भी। उसके बाद इराक में सिविल वॉर। जी हाँ दोस्तों, इराक में सिविल वॉर भी अमेरिका का ही देन है। अमेरिका द्वारा इराक को इन्वेड करना और उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ देना और उसके बाद से ही यहाँ पर सिविल वॉर्स चलने लगे और यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप पनपा और इराक का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाइल्ड रिजर्व है, उसके बाद भी यह देश गरीब और सिविल वार में जल रहा है। उसके बाद जो अगला देश है वो है अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पिछले 22 साल से अमेरिका और तालिबान के बीच में गृह युद्ध अफगानिस्तान में चल रहा था और इसमें अफगानिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और अफगानिस्तान भी नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री होने के बावजूद आतंकवाद और अमेरिका द्वारा इन्वेड किया जाने के कारण आज ये देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे गरीबी और बदहाली छाई हुई है और एक अमीर कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद सीरिया का सिविल वॉर। जी हाँ दोस्तों, सीरिया में अमेरिका और रसिया दोनों ने ही अपनी मिलिट्री उतार दी, जिसके बाद अमेरिका जहाँ टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था तो वहीं रसिया वहाँ पे डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण वहाँ पे युद्ध हुआ, सिविल वॉर्स हुए और वहाँ पे की जो जनता थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई और ये देश भी आज पूरी तरीके से जल रहा है और ये देश भी बर्बाद हो चुका है। इन सभी चीज़ों के देखने के बाद हमें एक बात समझ में आता है कि एशिया का बहुत सारा ऐसा देश है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से तो रिच है लेकिन वो उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पा रहा है और उसके पीछे का जो कारण है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और टेररिस्ट ग्रुप भी है। तो उन सभी से निपटने के लिए इन देशों को पीस और एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल की ज़रूरत है, तो वहीं एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की भी ज़रूरत है। तो इन सभी को देखते हुए एशिया को आज एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल यानी कहे तो एसोसिएशन का ज़रूरत है। और इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? इसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि एशिया के कुछ देश चाहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन इसकी संभावनाएं भी कम है, क्योंकि एशिया के जो पावरफुल देश है जैसे इंडिया, जापान, चाइना, इन तीनों के बीच में भी दुश्मनी है, जहां इंडिया और जापान का चाइना से नहीं बनता है और चाइना जहां विस्तारवादी नीति और डेफ ट्रैप को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए एशिया को एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल की ज़रूरत है जो कि इन सभी की राइवलरीज को मिटा सके और एशिया को एक डेवलपिंग कंट्रीज़ बना सके। और इन सभी को देखते हुए आज का ये वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाए हैं। थैंक यू।